Good morning to all of you students. It is your science period. I will write lesson number 9. लेसन 9 आपका चल रहा है जिसको कि मैं आपको लिखा रहा हूं. इसमें मैंने आपको हार्ड वर्ड इसके दिखा चुका हूं, टिक द करेक्ट ऑप्शन लिखा चुका हूं, ओरल क्वेश्चन आंसर लिखा चुका हूं, वन वर्ड आंसर फिल इन द ब्लैंक्स लिखा चुका हूं. आज आपको ट्रू फॉल्स दिखाने जा रहा हूं. तो ध्यान से आप देखिएगा, कॉपी को निकालिए और उसमें डेट डालिए आज की 18/11/20, क्लास वर्क डालिए, लेसन 9 डालिए. इतना आप अपनी कॉपी पर साफ राइटिंग में डाल लीजिए ब्लैक पेन से, और उसके आगे ब्लैक पेन से ही नीचे वाली लाइन में बी नंबर डालिए. बी नंबर डालने के बाद लिखिए WRITE राइट, TRUE ट्रू, और FALSE फॉल्स. ब्लैक पेन से इसको लिखना है राइट, ट्रू और फॉल्स. जो स्टेटमेंट नीचे दिए होंगे उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में को देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है और क्या ये सही है कि क्या ये गलत है. सही वाले पर ट्रू लिखेंगे ब्लैक पेन से और गलत वाले पर फॉल्स लिखेंगे ब्लैक पेन से. सबको ध्यान में आ गया करना क्या है? तो अब अपनी कॉपी उठाइए, सब कुछ डालने के बाद में राइट टू फॉल्स ब्लैक पेन से लिखिए, नंबर 1 ब्लैक पेन से डालिए, और इसके आगे जो आपको लिखना है वो ब्लू पेन से लिखना है. क्या लिखना है? THE PLANET प्लैनेट, प्लैनेट नियरेस्ट, NEAREST नियरेस्ट, टू TO2 THE नियरेस्ट टू द SUN सन इज मरकरी, MERCURY मरकरी. क्या मरकरी सबसे निकटता ग्रह है? प्लैनेट माने ग्रह, नियरेस्ट माने पास का, सन सन माने सन के, मरकरी माने मरकरी एक प्लैनेट का नाम है. क्या मरकरी ग्रह सूर्य के निकट का ग्रह है? यस. क्या होगा? यस, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द मून टू द सन. तो यहां पर इस पूरे को ब्लू पेन से लिखने के बाद और स्टॉप लगाएंगे और उसी के आगे ये ब्रैकेट बनाएंगे ब्लैक पेन से, और यहां पर लिखेंगे TRUE ट्रू ब्लैक पेन से पूरा लिख देंगे. सबको ध्यान में आ गया? अब इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट लाइन चेंज करके अगली लाइन में लिखेंगे, नंबर 2 डालेंगे. 2 डालने के बाद लिखेंगे अबाउट OUT अबाउट 30%, यानी कि 30 और परसेंट का साइन ऐसे बनाएंगे. ध्यान रखिएगा, परसेंट ऑफ OF ऑफ EARTH अपोस्ट्रोफी S अर्थ्स, अबाउट 30% ऑफ अर्थ्स सरफेस, SUR FACE सरफेस इज IS इज वाटर, WATER वाटर. क्या लिखा है? अबाउट 30% ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर, 30% पृथ्वी पर जल है. क्या ये सही है? ये सही नहीं है. क्यों? पृथ्वी पर तो 71% वाटर है, 70% अबव वाटर है, 70% से भी ज्यादा पानी पृथ्वी पर है. केवल 29% या 30% ही भूमि है. ठीक, तो ये क्या होगा स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है स्टेटमेंट.
क्योंकि इसमें लिखा हुआ है पृथ्वी पर केवल 30% जल है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये पूरा ब्लूप्रिंट से यहाँ तक लिखेंगे वाटर तक, इसके आगे फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके आगे ब्रैकेट बनाएंगे और इस ब्रैकेट में लिखेंगे फॉल्स, FALSE फॉल्स, ये ब्लैक पेन से लिखिए। समझ गया बच्चों? अब इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट लाइन में नंबर 3 डालेंगे ब्लैक पेन से और इसके आगे ब्लू पेन से लिखेंगे। ठीक, ब्लू पेन से क्या लिखना है, PHE दाग, EAR PH अर्थ, IS इज, MOVING मूविंग ऑल द टाइम, ALLTHE द TIME टाइम। ठीक, देखिए ध्यान से, अर्थ इज मूविंग ऑल द टाइम, पृथ्वी हर समय घूमती रहती है। सभी जानते हैं पृथ्वी अपने धुरी पर अपनी ही गति से वो चक्कर लगाती रहती है, अपनी धुरी पर घूमती है और घूमते हुए वो सूर्य की परिक्रमा भी करती है, यानी परिक्रमण गति भी करती है और परिभ्रमण गति भी करती है, दोनों गति करती है, रोटेशन भी करती है और रिवॉल्यूशन भी करती है, दोनों मूवमेंट वो करती है। एक तो अपनी धुरी पर वो घूमती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती जाती है। ठीक, तो ये क्रिया वो लगातार हर समय करती ही रहती है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है द अर्थ इज मूविंग ऑल द टाइम, ये बिल्कुल सही है। क्या मतलब, ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। ठीक, क्या होगा, द अर्थ इज मूविंग ऑल द टाइम, यहां पर टू लिखेंगे ब्लैक पेन से, टू लिखेंगे। ठीक बात, सबको ध्यान दिया गया। अब इसके बाद नंबर 4 डालेंगे, यहां 4 नंबर डालेंगे नेक्स्ट लाइन से। ठीक, सुंदर राइटिंग बनाएंगे, बिल्कुल सीधा सीधा लिखेंगे और गलती नहीं करेंगे, स्पेलिंग ध्यान से लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद है द अर्थ, PHE द, EARTH अर्थ, TAKES टेक्स, 24HOURS आवर्स, 2 कंप्लीट COMPLETE कंप्लीट अ रोटेशन, ROTATION रोटेशन, पृथ्वी एक रोटेशन पूर्ण करने में 24 आवर्स लेती है। पृथ्वी एक रोटेशन मतलब एक चक्कर पूरा करने में, चक्कर कौन सा, सूर्य का चक्कर नहीं, पृथ्वी दो तरह से गति करती है, एक तो वो अपनी धुरी पर घूमती है और एक वो सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जब वो अपनी धुरी पर घूमती है, तो जब वो धुरी पर जब घूमती है तो उसका एक चक्कर पूरा करने में वो 24 आवर्स लेती है। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर ट्रू लगाना है। तो यहाँ पर हम ब्लैक पेन से लिखेंगे TRUE ट्रू। सबको ध्यान में आ गई बात, ये आपको अपनी कॉपी पर ठीक प्रकार से करना है। 9:10 देखिए, अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट अ रोटेशन, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में 24 आवर्स लेती है। सभी भैया में अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग में ये ट्रू फॉल्स लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।